एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिसान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके साथ ही सलमान खान को भी धमकी दी गई है, लेकिन मामले में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांद्रा ईस्ट स्थित जिसान के पब्लिक रिलेशन ऑफिस के धमकी भरा कॉल आया था। धमकी भरा कॉल शुक्रवार शाम को आया था। जिसान और सलमान खान दोनों को धमकी देकर पैसों की मांग की गई थी। इस धमकी के बाद जिसान सिद्दीकी के ऑफिस की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। धमकी भरे इस कॉल को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक जताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद तैयब उर्फ गुरफान नाम के शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरपी दिल्ली का रहने वाला है। उसे सेक्टर 39 थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है और मुंबई पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है। इससे पहले जिसान के पिता बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने हत्या कर दी थी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तभी रात 9:15 से लेकर 9:20 के बीच बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले थे। पटाखों के शोर के बीच बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया। मुंह पर रुमाल बांध कर तीन लोग अचानक गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। इसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर गए। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस मामले में बीते शुक्रवार को पुलिस ने 15वें आरोपी को पंजाब के लुधियाना से पकड़ा था। पुलिस का कहना है कि यह हत्या की साजिश से जुड़ा है। 15वें आरोपी सुजीत सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों से वह यहां अपनी ससुराल में छिपा बैठा था। पुलिस ने बताया कि घाटकोपर का रहने वाला सुजीत सिंह 1 महीने पहले मुंबई से भागकर लुधियाना आ गया था। वह वही व्यक्ति है जिसने वांछित मास्टरमाइंड जिशान अख्तर को गिरफ्तार आरोपी नितिन सपरे और रान कनौजिया से मिलवाया था, जिन्हें पहले बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए शामिल किया गया था।